सबसे फर्स्ट में तो आपका वेलकम है जैसलमेर में। थैंक यू। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। अभी अभी डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। रिक्शा में ऑटो डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसलमेर की गलियों में ऑटो से कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पटवाओं की हवेली। जादू हमारे अंकिता मैडम का हो गया है गला खराब। मेरा मोए मोए हुआ है। मोए 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 मोए। यहाँ की गाय भैंस इतनी ज्यादा है कि यहाँ गाड़ी भी जाना मुश्किल है। बट कितना अच्छा लग रहा है ये हवेली। ये ले सौ पचास किधर है? 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा। अरे 10 रुपया कम है भैया इसमें बहन जी। फिर से भाभी में आप लोगों को 10 रुपया दे दूँगा। भाभी बहन जी हट जाओ ना। ये हमारा ट्रैफिक करते हुए ये गाय। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं पटाव की हवेली में। यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। ये रहा हवेली। वाव। जहाँ पे हवेली में पटवा हवेली में एक छोटी सी मार्केट भी है। छोटे से क्या, इस पूरी गली में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स मिल जाएंगे। और जहाँ पे अंतिम लोग कुछ ले रहे हैं। बहुत सुंदर बैग्स हैं यहाँ पे। इसमें सेम कलर है क्या? आपको यहाँ पे टी शर्ट बैग लेने हैं तो ले सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर है। क्या लिया अंकुल? हमने छोटा देखी ये बैग ले रहे हम लोग। ये देखो वाह सरदोशी वर्क का बैग। और ये देखिए व्यू। वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। यहां पे सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यहाँ पे क्या मिलता है अंतिम? स्टोल सलवार सूट साड़ी। वाह ये तो अच्छा है। ओढ़नी क्या प्राइस है इसका भैया? 550 का है लेकिन ये वर्थ लग रहा है। ये है लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी। इतनी बड़ी है ये। एक्चुअली हवेली है और यहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। पटवाओं की हवेली। सबका नाम लिखा हुआ है इसमें एक एक लोगों का। ये इनका घर इनका घर। जैसे मुंबई में और दूसरी जगह चौल होता है। हम गर्म गर्म पी रहे चाय। अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय। जैसलमेर की गलियों में सबसे फर्स्ट में तो आपका वेलकम है जैसलमेर में। थैंक यू। और नए साल की शुभकामनाएं भी आपको भी।
ये है पटवा का हवेली। ये पांच बिल्डिंग एक ही लाइन से बनी हुई सुंदर। जो मालिक था उसके पांच लड़के हुए, पांच अच्छा। लड़कों के लिए अलग अलग हवेली बना के दे दी। अच्छा। इनका व्यापार था अफीम गांजे का। आज से 200 साल पहले वो लीगल था, सिर्फ राजा को थोड़ा टैक्स देना पड़ता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान में उनकी 300 दुकानें थी सिल्क रूट की। अच्छा। पे पूरा इनका कारोबार चलता था, व्यापार था। और ये वहाँ से काजू किशमिश जो भी वो फ्रूट्स लाते थे यहाँ से अफीम और गांजा ये लेके जाते। एशिया में इनकी 300 दुकानें भी थी। एक धनी थे, पैसे की धनी जिसको बोलते हैं नगर सेठ, हमारे यहाँ पे बोलते हैं नगर की सेठ। वक्त आने पे राजा को फाइनेंस भी किया करते थे। अच्छा। इतना पैसा था इनके पास, इनकी हवेलियाँ बनवा रहे थे फोर्ट के ऊपर। अच्छा। जब किले के राजा ने बोला कि तुम यहाँ बनाओगे तो मेरा पैलेस कोई नहीं देखेगा, इन्होंने क्या किया, राजा ने इनको बोला कि दो पहाड़ियों के बीच में, जैसे पीछे हमारे यहाँ पे एक और भी पहाड़ी है जिसको बोलते हैं सूली डूंगर, और फोर्ट बनाया पहाड़ी पे, तो दोनों के बीच में हवेली बना दी। इतनी सुंदर हवेली है कि इनको देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पे? मेरा जन्म यहीं से ही है। यहीं से है आपका घर? किधर है यहाँ से? द्वारा सामने। अच्छा, ये सामने ही है। अच्छा अच्छा, सही है। यहाँ सबके घर ऐसे ही है एकदम हवेली जैसे। सब गोल्डन। ये अदरक की कड़क चाय है, बहुत ही मस्त और सच में बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी चाय है। वैष्णो टी स्टॉल, ये पंडित जी की चाय भी बोल सकते हैं। पंडित जी की चाय से फेमस है ये इनका स्टॉल। और ये जैसलमेर के हवेली के जस्ट सामने ही है, पटवाओ की हवेली के सामने। अच्छा। गड़ीसर लेक। हेलो, ये लेक है। वी हैव रीच्ड एट गड़ीसर लेक। व्यू इज ब्यूटीफुल। बोलो भिखारन, कितना चाहिए? 2 रुपया। 2 रुपये नहीं है मेरे पास। मेरा 10 रुपये चाहिए। तो बोलो, देखो पूरा कपड़ा फटा हुआ है, सिलाई करवा लूंगी, दे दो ना। कहाँ फटा हुआ है? इधर फटा हुआ। वो उतना चलता है। बंजारन रेडी हो रहे हैं सारे। हम लंच के लिए पहुंच चुके हैं होटल अमरगढ़। बहुत ही सुंदर होटल लग रहा है ये। वाह,